संभव है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लिखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ एमएमएस, ईमेल और फैक्स के जमाने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। यानी कि पत्र यानी कि लेटर्स, आजकल के जमाने में लेटर्स का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि हमारे पास और भी लेटर के अलावा और भी बहुत से व्हाट्सएप फेसबुक जैसे एप्स आ गए हैं, जिससे हम इजीली अपनी बात एक हमारी जो बात है वो दूसरे इंसान तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन लेटर राइटिंग है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर एक लोगों को आनी चाहिए और स्टूडेंट्स को भी ये सिखाना इतना ही जरूरी है। फर्स्ट लेटर है 195 उमिया नगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ दिनांक 4/8/2011। जब भी हम किसी को पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें एड्रेस, डेट और जो सारी बाकी की जो डिटेल्स है वो लिखनी पड़ती है। उसके बाद हम जिसको लेटर भेज रहे हैं उसका नाम यानी कि प्रिय मनोज, फिर है नमस्ते जैसे जिसको भेज रहे हैं उसका नाम, फिर जो सामने वाला व्यक्ति है जैसे हमारा फ्रेंड है तो उसको हम नमस्ते नहीं करेंगे, अपने से किसी बड़े व्यक्ति को लिख रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे नमस्ते। फिर फर्स्ट पैराग्राफ, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि वहाँ आप सभी कुशल से होंगे। पिछले कई दिनों में तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वाचिक गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी, इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वाचिक गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया है, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, मतलब ये जो लड़का है वह अपने किसी दोस्त को या फिर अपने किसी फ्रेंड रिश्तेदार को यह पत्र लिख रहा है और स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है कि मैं सकुशल हूँ, मतलब कि मैं यहाँ अच्छा भला हूँ, मैं आशा रखता हूँ कि वहाँ पर तुम भी बहुत खुशी से रह रहे होंगे। और मैं तुम्हें कई दिनों से पत्र लिखने का सोच रहा था, लेकिन एक अभियान चल रहा था वाचिक गुजरात, उसमें मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से मैं तुम्हें लेटर जल्दी नहीं लिख पाया, और आज मैं तुम्हें लेटर लिख रहा हूँ और मैं यह भी आशा करता हूँ कि तुमने भी वहाँ पर वाचिक गुजरात अभियान में पार्टिसिपेट किया होगा। और वाचिक गुजरात जो चल रहा है उसका मुख्य सूत्र क्या है, जो पुस्तक के मित्र वह मेरे भी मित्र, मतलब सरकार ने ऐसा सूत्र घोषित किया है कि जो पुस्तक के मित्र है वो मेरे भी मित्र है। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है, वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है, मन में जो अज्ञान है अंधकार है उसे मिटा कर ज्ञान का संचार करती है। मतलब यदि हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारा अज्ञान चला जाएगा, हमें ज्ञान मिलेगा और हमारे मन में जो अंधकार है वो भी निकल जाएगा, और ऐसे कई तरह से पुस्तक हमें उपयोगी हो सकते हैं, इसीलिए पुस्तक पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और इस लेटर में मैं इसी के बारे में तुम्हें लिख रहा हूँ। किताबें ज्ञान का स्रोत है, मतलब कि सोर्स है, अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो उससे हम नॉलेज पा सकते हैं, जिनमें जिज्ञासा की पूर्ति होती है, इतना ही नहीं ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान है, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं पुस्तकें चाहिए, मतलब पुस्तकें हैं वो हमें किसी ना किसी चीज पर कभी ना कभी तो उपयोग में आती ही है, तो अगर हम कहें कि मुझे पैसे नहीं पर उसके बदले पुस्तक दो, तो क्योंकि आप पैसे दोगे तो उससे एक चीज खरीद सकते हैं, लेकिन अगर किसी को आप पुस्तक दो तो वह एक चल पढ़ सकेगा, वही पुस्तक वह किसी और को देगा तो वह दूसरा पुस्तक भी पढ़ सकेगा, इसलिए पैसे से भी ज्यादा मूल्य पर पुस्तक। पुस्तकें हमारे जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताब को भी भेंट देनी चाहिए, मतलब
जैसे हम किसी को गुलदस्ता यानी कि फ्लावर और बुके देते हैं, उसके अलावा इसके बदले में या फिर इसके अलावा हमें किसी को बुक्स देनी चाहिए, क्योंकि वह अपने ज्ञान को बढ़ा सके। पुस्तकें हमारे मित्र हैं और रहेंगी, इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मतलब पुत्र, पुस्तकें पहले से ही हमारे मित्र थी और अब भी रहेंगी, और हमें क्या करना होगा कि इनको पढ़ना होगा। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है, मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। और इसी वजह से मैंने एक किताब का एक पन्ना पढ़ना स्टार्ट किया है, और मैं आशा रखता हूँ कि तुम भी बिल्कुल वैसे ही करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के